दोस्तों नमस्कार नमस्कार मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सुजने से आप लोग के सामने एक बार फिर मैं दोस्तों एक श्रृंखला चालू कर रहा हूं राहु से संबंधित काल सब दोष क्या है राहु और केतु से बनने वाले जितने भी दोष हैं उनका निदान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरी वीडियो हो सकता है प, पचास वीडियो बन जाए साठ वीडियो बन जाए यदि आप नियम से यथावत इन सब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको राहु केतु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी राहु कहाँ से राहु का जन्म कैसे के केतु का जन्म कैसे वो डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरे यहाँ पे दोस्तों वैदिक ज्योतिष भी पढ़ाई जाती है मेरे यहाँ लोशोगिटी पढ़ाई जाती है निमोलॉजी पढ़ाई जाती है ये सब काम मेरे यहाँ पे होते हैं यदि आप लोग पसंद करते हैं तो मेरे यहाँ मात्र इकहत्तर सौ रुपये की फीस है मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप वैसे कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं उसका एक्सपेंसिव मात्र ग्यारह सौ है दोस्तों हम पूरे जीवन दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं हमें उसका कारण मालूम नहीं हो पाता उसके पीछे कहीं ना कहीं कार सब दोष राहु केतु शनि मंगल जैसे क्रु ग्रह का प्रभाव होता है यदि हम इन सब पर निदान कर लेते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं मैं इन सब के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं राहु केतु क्या है दोस्तों राहु और केतु छाया ग्रह हैं यदि इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है और सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है इसी तरह से इनका वर्णन काल सर्प दोष बारह तरह के होते हैं उनका मैं विस्तार से वर्णन करूँगा मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा पहले मैं राहु के बारे में आपको थोड़ी बताता हूं चार नंबर वाले जातक अभिमानी होते हैं जिनके कारण इन लोगों को क्रोध जल्दी आता है लेकिन जल्द ही इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है ये लोग अब नाराज होकर अब हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और यदि राहु खराब होता है तो ऐसे नुकसान में भी आ जाते हैं मूल्यांक चार वाले जातक निर्णय शक्ति कम होती है और अचानक कोई निर्णय लेकर अन्य लोगों को आचत आचंबित कर देते हैं जिससे कई बार हानि भी पहुंचती है लोगों को अब हाँ पहुँचती है वे कुछ समय बाद अनुभव करते हैं कि जो पहले किया वह ठीक नहीं था जब आदमी के साथ कोई बुरा घटना घट गट जाती है तब उसे बाद में एहसास होता है कि मैंने जो किया गलत था क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है इस कारण से हम उन कार्यों को नहीं कर पाते मूल्यांक चार वाले जातक का स्वामी ग्रह राहु है जो कि एक छाया ग्रह है राहु के प्रभाव के कारण ये लोग अच्छे होने का आडंबर करते हैं जे दिखावा करते हैं जैसे बाहर से दिखाई देता है वैसे होते नहीं ये लोग दिखावा अधिक करते हैं आडम्बरी होते हैं अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लेते हैं जिससे उनके संपर्क में आने वाला भ्रमित हो जाता है लेकिन जैसे दिखाई देता है वैसा होता नहीं मूल्यांक चार वाले जातक एक साथ कई कामों को हाथ में ले लेते हैं जिससे हर काम में कोई ना कोई कमी होती है और हमेशा मानसिक रूप से परेशानियां रहती हैं मूल्यांक चार वाले जातक को नियम नियमबंद तरीके से काम करना चाहिए, पसंद चाहिए जिसके कारण उनका जीवन अव्यवस्थित होता है मूल्यांक चार वाले जातक को वसियत से कोई लेन से कोई धन या संपत्ति प्राप्त नहीं होती तथा भाग्य में अपनों को सुख भी कम होता है मूल्यांक चार वाले जातक दूसरे की निंदा अधिक करते हैं वे अपने सामने दूसरे की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाते इन लोगों को विश्वास होता है कि हम तभी ऊंचा उठ सकते हैं जब दूसरे को नीचा गिराएंगे क्योंकि राहु प्रबल वाले व्यक्ति हमेशा दूसरे को नीचा गिराने की सोचते रहते हैं ये लोग अनैतिक कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं मूल्यांक चार वाले जातक प्राय दूसरों को झूठा आश्वासन देते हैं वे किसी को न, न कहें Osionfish. चाहे कुछ सम्पूर्ण हो या ना हो किसी को ना नहीं कह सकते मूल्यांक चार वाले जातकों को क्रोध की अधिकता के कारण उनका बीपी हाई रहता है मूल्यांक चार वाले जातकों का हृदय रोग होने की आशंका रहती है मूल्यांक चार वाले जातक शीख निर्णय नहीं ले पाते और निर्णय का ही अपना निर्णय मान लेते हैं मूल्यांक चार वाले जातक हमेशा दूसरों को सलाह देकर ही कार्य करते हैं लेकिन किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करते हैं। इसी कारण अधिक मित्र होने के बावजूद हमेशा एकाकीपन महसूस करते हैं वर्ध अवस्था में अकेले रह जाते हैं इनके शत्रुओं की संख्या अधिक हो जाती है मूल्यांक चार वाले जा तक जीवन के अंत में यानी वर्ध अवस्था में आर्थिक कष्ट या शारीरिक कष्ट अधिक महसूस करते हैं रिश्तेदार मित्र संगे साथी एक दूसरे के का साथ छोड़ देते हैं एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है मूल्यांक चार वाले जातक का स्वामी ग्रह राहु है जो कि एक छाया ग्रह है और राहु जिस राशि में स्थित होता है जिस ग्रह से युक्त होता है वैसे ही फल प्रदान करता है मूल्यांक चार वाले जातकों को प्राय अपनी गलत फहमी होती है वे अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है वो सोचते हैं कि सब पागल पागलैर मैं ही एक समझदार हूँ ये उनका भ्रम हमेशा बना रहता है जिस कारण से उनके समाज में संबंध अच्छे नहीं पाते चार नंबर जातक कभी 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 अपने बारे में खुद ही गलतफहमी हो जाती है मूल्यांक चार वाले जातक कार्य को आरंभ करने की अपेक्षा दूसरे से कार्य पर अधिक अधिक विश्वास करते हैं और आलोचना का अपना अधिकार समझते हैं पुरानी मान्यता कौन अनुसार राहु का शमन भगवान शिव द्वारा प्राप्त किया गया है शिव जी एक नया नाम सोम है रविवार शनिवार को अतिरिक्त मूल्यांग चाल वाले जातकों के लिए सोमवार ही शुभ है मूल्यांक चार वाले जातक का भाग्य उदय बाईस वर्ष में होता है चार वाले जातक खनिज मजदूर वायुवान एयर होस्टल ठेकेदार राजनीति फोटोग्राफर बिजली शराब जुआ इंजीनियर इत्यादि कार्य में सफल होते हैं मूल्यांक चार वाले जातकों को अपने मकान वाहन मोबाइल नंबर भी मित्र मूल्यांक के आधार पर लेना चाहिए मूल्यांक चार वाले जातकों के लिए 22 जून से 22 अगस्त का समय अनुकूल होता है ये व्यक्ति यदि इस साल कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो शुभ फल प्राप्त करते हैं मूल्यांक चार वाले जातक के लिए किसी भी माह की चार तेरह बीस इकतीस तिथियां अच्छी होती हैं इन तिथियों में इन तिथियों में बुधवार का शनिवार का या तो बहुत अच्छा होता है या किसी शुभ कार्य को नए कार्य से लाभ की प्राप्ति होती है मूलांक चार वाले जातक जीवन के तेरहवें बाईस में इकतीस में चालीस 58 में 67 में 66 में एक्टिव फाइव वर्ष शुभ होती हैं मूल्यांक चार वाले जातों का जिनके लिए मूल्यांक एक चार आठ हो उनसे मित्रता करना शुभ होता है मित्रता लंबे समय तक रहती है दोस्तों इसी के बीच में फिर मैं आपसे कहता हूं यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मात्र ग्यारह सौ रुपये है चार विधि के द्वारा मैं किसी की पुस्तक के बारे में बताता हूं और कुंडली के बारे में बताता हूं यदि आपको ज्योतिष सीखनी है तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं नोट्स भी मेरे यहाँ उपलब्ध होते हैं नोट्स मेरे बेसिक के ग्यारह सौ के चार्ज होता है आपके सॉफ्ट कॉपी आपके घर पर आ जाएगी पैसा जमा कराएंगे और पाँच मिनट में आपको कॉपी मिल जाएगी राहु नेत्र कोण का स्वामी है मूल्यांक चार का जातक को शहर के दक्षिण पश्चिम में अपना निवास स्थान बनाना चाहिए अपने ऑफिस या व्यवसायिक स्थल को शहर इमारत ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी नेत्र कोण से स्थापित करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें राहु का देवता गणेश जी हैं मूल्यांक चार के जातकों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए गणेश जी की आरती नियमित रूप से वह प्रतिदिन मंत्र जाप करने चाहिए जिससे वे जीवन में कष्टों को दूर कर सकें मूल्यांक चार वाले जातकों को नीले वस्त्र लोहा सतनजा उड़द की दाल कम्बल गोमेद रबड़ का दान करना चाहिए अच्छा मूल्यांक चार वाले को राहु का रतन गोमेद है इन जातकों को सवा पाँच रत्ती का गोमेद ठीक है अंगूठी बनाकर शुक्ल पक्ष की बुधवार को सूर्य उदय के पश्चात रतन को प्राण प्रतिष्ठा करके राहु के मंत्र ओम रहवे नमय का जाप कर 108 बार करके मध्यमा उंगुलों में धारण करना चाहिए रत्न धारण करने का पश्चात काले तिल कम्बल लोह या काले वस्त्र दान करने चाहिए मूल्यांक चार वाले जातों के लिए नीला काला या भूरा रंग शुभ होता है इसलिए इन लोगों को नीले काले हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए ठीक है दोस्तों फिर मैं आपको कहता हूँ यदि आपको मुझसे कंसल्टेंसी करनी है और तो मात्र ग्यारह सौ रुपये यदि ज्योतिष सीखनी है लोशो सीखनी है तो मात्र इकसठ सौ रुपये हैं चार नंबर वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संसार में एक नाम कमाया और ऊंचाइयों पर पहुंचे क्योंकि जब राहु की महादशा चलती है तो अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी राजीव गांधी और देव देवगौड़ा ये सब प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचते हैं और शनि की सती के होने पे मनमोहन सिंह भी इन को इनका ग्रहण करा सती राहु की दशा होने पे ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है अब चार नंबर वाले व्यक्ति को मैं बता सकता हूँ ऐसे ऐसे व्यक्ति कौन थे जॉर्ज बुश वाशिंगटन 22 फरवरी ब्राम ओबामा 4 अगस्त सेठ जमाल लाल बजाज 4 नवंबर श्रीमती सरोजनी नायडू 13 जनवरी श्रीमती मार्गेट थिएचर 13 अक्टूबर महान सिकंदर 22 जुलाई बेजंती माला 13 अगस्त अशोक कुमार अभिनेता 13 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर शंकराचार्य 31 मार्च मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने का जन्म चार तारीख का हुआ और महान ऊंचाइयों पे पहुँचे दोस्तों फिर मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूँ मैं एक मैंने पुस्तक चालू कर दी है राहु को ऊपर जिसमें काल सब दोष और सारे के सारे दोषों के बारे में बताऊँगा कि जीवन में आने वाले सब दोषों का क्या होते हैं उनका निदान क्या होता है यदि आप लगन से मेहनत से देखते रहेंगे मैं प्रतिदिन एक या दो वीडियो डालूंगा आप इन वीडियो को अपने आगे आगे भेज दें जिससे लोगों का भला हो कल्याण हो सके नमस्कार जय हिंद